Hello friends, welcome to my channel. Hope all you are doing fine. Friends, आज हम डिस्कस करने जाने वाले हैं सिटी स्कैन पल्मोनरी एंजियो. सिटी स्कैन पल्मोनरी एंजियो के लिए क्या प्रिपरेशन है, कौन सा रिपोर्ट चाहिए, वो मैं आज आपको ये वीडियो में बताने जाने वाला हूँ. Kindly subscribe my channel and press bell icon for more updates. Thank you. So let's start. सिटी स्कैन पल्मोनरी एंजियो जब करना है तो सबसे पहले तो सीरम क्रिएटिनिन का रिपोर्ट चाहिए किडनी का. वो सीरम क्रिएटिनिन का रिपोर्ट नॉर्मल होना ज़रूरी है. सीरम क्रिएटिनिन का रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है तो एंजियो इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, फिर सिटी स्कैन जब करना है तो उससे पहले 4 आवर्स के लिए NBM चाहिए. NBM मतलब नील बाय माउथ, मतलब खाना पीना नहीं होना चाहिए. क्योंकि जब पल्मोनरी एंजियो के लिए जाते हैं तो उसमें एक डाई देनी के देना पड़ता है, वो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट. वो जब कॉन्ट्रास्ट अपना वेन्स में जाता है तो बॉडी को बहुत हीट कर देता है, तो कभी कभी नौशिया होता है, वॉमिटिंग होता है, उसके हिसाब से प्रॉब्लम होता है. इसके लिए NBM होना बहुत ज़रूरी है, नील बाय माउथ. अभी ये एंजियोग्राफी करने के लिए पेशेंट को सबसे पहले तो बेड पर लिटाया जाता है, एक वेन फ्लो डालने की रहती है राइट और लेफ्ट हैंड में, जो एनेस्थीशिया रहते हैं वो सब कुछ रेडी कर देते हैं. पेशेंट का पोजीशन रहता है कोई कोई पेशेंट का पोजीशन कोई मशीन में रहता है, सुपाइन पोजीशन तो रहता ही है, कोई मशीन में फीट फर्स्ट रहता है, कोई मशीन में हेड फर्स्ट रहता है. ओके, उसके बाद कैन्यूला डालते हैं हाथ में, फिर सब पोजीशन करते हैं बेड पर, फिर स्टार्ट करते हैं. स्कैन स्टार्ट होने से पहले पेशेंट को सब इंस्ट्रक्शन देने का दे देते हैं जो भी टेक्नीशियन रहता है, कि हिलना नहीं है, ब्रेड होल करना है. ब्रेड होल करने से क्या रहता है कि आर्टिफैक्ट्स नहीं आते हैं, इमेजेस परफेक्ट रहती है और डायग्नोसिस में प्रॉब्लम नहीं आता. सो आप देखते हैं इमेजेस जो स्कैन हो चुकी है. अब ये हम स्टार्ट करते हैं सिटी स्कैन पल्मोनरी एंजियो का इमेजेस. ये स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, एंटीरियर लिया. ये देखो ये जो आर्टिफैक्ट्स जो है ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है. ये लेफ्ट हाथ में कैन्यूला लिया है, इसके लिए ये यहाँ से कॉन्ट्रास्ट जा रहा है, जो डाई इंजेक्ट की है ना, इसके लिए इसका बड़ा सा आर्टिफैक्ट्स इसमें दिख रहा है. ये आ गया आर्च ऑफ एओर्टा, इसको बोलते हैं आर्च ऑफ एओर्टा. ये SVC है, सुपीरियर वीना केवा. ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया यहाँ से बाइफरकेट हो रहा है. ये पल्मोनरी स्टार्ट हुआ, आर्च ऑफ एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक है. ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये अभी राइट पल्मोनरी आर्टरी स्टार्ट हो गई. ओके, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी, ये इसका ब्रांचेस है. ये जो ब्लैक जो दिख रहा है ये कॉन्ट्रास्ट का फिलिंग डिफेक्ट है, मतलब इसको एम्बोलिज्म है, इसको पल्मोनरी आर्टरी में ब्लॉक है, हिंदी में बोल सकते हैं ब्लॉक, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं इसको एम्बोलिज्म. ये यहाँ पे ये जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म है. ये राइट पल्मोनरी आर्टरी में भी एम्बोलिज्म है, लेफ्ट में भी दिख रहा है, ये जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म. नीचे जा रहे हैं ये सब ब्रांचेस हैं इसकी, छोटी छोटी पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांचेस हैं. ये राइट में है, देखो ये पूरा दिख रहा है. ये जो ब्लैक आ रहा है ये मतलब फिलिंग डिफेक्ट है, ये पल्मोनरी आर्टरी में ब्लॉक है. ये कॉन्ट्रास्ट एंजियोग्राफी पल्मोनरी करने के बाद ही ये पता चलेगा. ये देखो ये पूरा ब्लॉक है, इसके लोबार ब्रांचेस हैं, नीचे वाली छोटी छोटी ब्रांचेस में भी ब्लॉक है. ये सब छोटी छोटी पल्मोनरी आर्टरीज है. ये तो हार्ट है, ये एओर्टा है, ये छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, ये जो एनहांस है कॉन्ट्रास्ट है. ये होता है, ये तो अब लीवर स्टार्ट हो गया है. ये स्कैन अपना खत्म हो गया है, ऊपर से नीचे, अभी नीचे से पास अगेन ऊपर जा रहे हैं. वापस मैं एक बार आपको बता दूं कि कैसा दिखता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म. टेक्नीशियंस जो है उसके लिए क्या है कि ये जो है
पल्मोनरी ट्रंक यहाँ पे ट्रिगर रखने का रहता है। सब मशीन्स के प्रोटोकॉल अलग रहते हैं, पर ट्रिगर का टेक्निक तो यही है कि यहाँ पे ट्रिगर रख दो, एचयू सेट करो, इंजेक्टर वगैरह सब कुछ स्टार्ट करो, सब कुछ रेडी रखो और शूट। कॉन्ट्रास्ट की डेंसिटी भी अच्छी आएगी। ये स्कैन होने के बाद ये पूरा एक्सेल व्यू है। अभी इसका मैं आपको रिकंस्ट्रक्शन करके भी बता देता हूँ कि कैसा दिखता है रिकॉन में। चलिए देखते हैं, अभी ये अपना कोरोनल रिकंस्ट्रक्शन है। पूरा जो स्कैन लेते हैं उसका थीन इमेजेस हम बनाते हैं, उसको रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। फिर उसको ये दूसरे व्यू उसको बोलते हैं कोरोनल व्यू। इसके अंदर भी देख सकते हैं, देखिए अभी मैं बता दूँ आपको, ये जो है ये राइट पल्मोनरी आर्टरी है, ये पूरा राइट है, यहाँ पे ब्लॉक है, ये लेफ्ट वाला है, यहाँ पे भी देखिए ये जो छोटा छोटा है ये सब ब्लॉक है। इसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मतलब ये सप्लाई सही से नहीं कर रहा है। जो लंग्स को सप्लाई देती है, बड़ी बड़ी आर्टरीज जो रहती है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, इससे पता चलता है कि यहाँ पे ब्लॉक है। ये राइट पल्मोनरी आर्टरी में ब्लॉक है, ये सब इसके ब्रांचेस हैं, लोबार ब्रांचेस बोलते हैं इसको। ये पल्मोनरी ट्रंक है, यहाँ से इसको डिवाइड किया, ये अगेन लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी आ गई। ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में ये छोटी छोटी ब्रांचेस में भी इसका ब्लॉक है, मतलब एम्बोलिज्म है। ये प्रोसीजर ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, पेशेंट को सही से ब्रेड रोल करना है, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं और शूट किया, हो गया। कॉन्ट्रास्ट ऑलवेज नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट यूज़ करना रहता है, क्योंकि उस नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट से रिएक्शन के चांसेस बहुत ही लीस्ट रहते हैं, इसके लिए नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं इसमें। ओके, तो ये अपना पल्मोनरी का कोरोनल व्यू हो गया। अभी मैं आपको थोड़ा 3D भी बता देता हूँ कैसा दिखता है 3D में। ये है इसका 3D रिकंस्ट्रक्शन, ये आप देख सकते हैं, ये राइट वाला है, ये लेफ्ट वाला है, ये सब इसके ब्रांचेस है। ये सब पल्मोनरी ब्रांचेस है। सो आज का ये वीडियो होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।